अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक हो? सब घर वाले ठीक हैं? आ जाओ, बिस्कुट बना रही हूँ मैं, बहुत मज़े मज़े के, आपको अच्छे लगे? पहले चीज़ें जैसे के अंदर डालने हैं, जो चीज़ें डालते हैं सब कुछ, मीठा भी डालना है। साथ चाय बना रही हूँ, कोई मेहमान आए हैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, फिर उस खाना बनाऊंगी। इधर बिस्कुट बना रही हूँ, ये भी साथ दूंगी चाय के साथ तैयार करके। अच्छा जी, बिस्कुट बनाने लगे हैं बाजी और मैं खुद, दोनों बहनें मिलके बना रही हैं। अच्छा जी, ये बिस्कुट बना रहे हैं, आप इनको तल भी सकते हैं बहुत अच्छी तरह, तेल डाल के ना तेल में डंग कर सकते हो, बहुत अच्छे हो जाते हैं। इधर से मैं खा भी रही हूँ कि बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का, बहुत टेस्ट आ रहा है इसका, बहुत मज़े का। मैं खुद खा रही हूँ, मैं पक चेक करा अच्छा बना है या नहीं बना, बहुत अच्छा बना है, मैं टेस्ट कर रही हूँ। ये तल भी सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्किट बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप मैदा, तकरीबन 2 ही टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स मैंने शामिल किए हैं, और इसके अलावा आपने शामिल करना है इसमें बेकिंग पाउडर 1 बड़ी स्पून बेकिंग पाउडर की जाएगी इसमें, और इसके बाद जाएगा 1 अंडा। अंडे के बाद शामिल करूंगी मैं इसमें शुगर जो कि मैंने ग्राइंड कर ली थी पहले से ही, और इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लिया था मैंने हाथों की मदद से। जब इस तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो आपने शामिल करना है दूध, और दूध के साथ आपने इस बैटर को गूंद लेना है आटे की तरह। बैटर गूंदने के बाद आपने किसी भी नॉन स्टिक पैन पर थोड़ी सी ऑयलिंग करनी है और बिस्किट की शेप के बना के आपने टिक्कियाँ वो रख देनी हैं, और इनको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने देना है। ये देखिए जी, हमारी 15 मिनट के बाद हमारे ये बिस्किट्स रेडी हो गए थे। तो अब मैं बना रही हूँ गोभी चिकन। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है मिट्टी की हांडी में, और चिकन को भून लिया मैंने कुछ देर के लिए ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए, और उसके बाद मैंने शामिल किया उसमें टमाटर, अदरक लहसुन की पेस्ट, प्याज, हरी मिर्च, ये तमाम चीज़ें शामिल करके थोड़ी देर मैंने इसको पकाया। मिट्टी की हांडी में बहुत मज़ेदार और खुशबूदार सालन बनता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मिट्टी की हांडी में पकाऊँ। के बाद मैंने शामिल किया है नमक, खुश धनिया, लाल मिर्च, और साथ ही शामिल किया है इसमें गरम मसाला, सूखी मेथी शामिल की है, और इनको अच्छा सा मैंने मिक्स किया और चिकन को थोड़ी देर के लिए भूना। फिर इसमें मैंने शामिल कर दी गोभी। तो बहुत अच्छा सालन ये मेरा तैयार हो गया गोभी चिकन का। आज का व्लॉग ज़रूर आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।